स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपने कई सारे बिजनेस आइडियाज के यूट्यूब पर वीडियो देखे जहां पर बताया गया कि भैया ये मशीन लगाओ लाखों कमाओ। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हर जगह के लोगों ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, अपने छोटे छोटे प्लांट लगाए, मशीनें लगाई, और फिर क्या हुआ, उन मशीनों से प्रोडक्ट बनाने के बाद में वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं पाए। क्या आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो बिजनेस करना तो चाहते हैं पर एक यूट्यूब पर जो भी गंद मची हुई है उससे आगे आप सीखना चाहते हैं? तो इस वीडियो में आप समझेंगे कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाते वक्त या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अपने छोटे प्लांट या प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद में आखिर कैसे आपको सेल्स के नेटवर्क प्रॉफिटेबिलिटी से बनाने चाहिए, और एक पैटर्न समझना चाहिए कि मशीनें जब लग जाएं तो आपको ये धंधा बंद नहीं करना है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स वाले इकोसिस्टम को अगर आप समझ लें। तो मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम सिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से फूड लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करना है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है और साथ ही 0 से करोड़ तक आपको पहुँचना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन से लोग फेल हो जाते हैं, और जो आप ये बिजनेस आइडियाज के वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, ये मशीन लगाओ, ये प्लांट लगाओ, या छोटी सी मशीन से आपका 1 घंटे में इतना मुनाफा होगा, यह सब बुलशिट है अगर आप सेल्स मार्केटिंग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को समझते हैं जहाँ प्लांट सेटअप हो जाता है और 90% लोग बेच नहीं पाते हैं, गिव अप करते हैं। आप किसी इस स्टेज में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं इस वीडियो में। देखिए, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ चुनौतियां आ रही होंगी, जैसे कि मशीन लगाना, उस प्रोडक्ट को बनाना, लेबर को संभालना, प्रोडक्ट का सोर्सिंग करना, कस्टमर्स के लिए एक मार्केट फिट प्रोडक्ट डेवलप करना, इसके अलावा अपने प्लांट पर आपके इलेक्ट्रिसिटी का दिमाग आपको वहाँ पर लगाना होगा, लाइट कब जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फंडामेंटली आप ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और ऑपरेशंस से निकलने के बाद में जब सेल्स की बारी आती है तो वहाँ पर आते हैं रिजेक्शंस, कस्टमर्स के क्रेडिट, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट सही नहीं है, मार्जिन्स नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, स्कीम्स नहीं है, ऑफर नहीं है, कस्टमर्स आपको बोलते हैं भैया अगली बार आना, अगली बार जब जाते हैं आप तो ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। इनमें आपको एक चीज़ समझनी है कि जो फर्स्ट लेवल आपका ऑपरेशन लेवल पर जो बिजनेस में प्रॉब्लम है, इसमें आपका जो 80% समय जा रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज़ अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में, जो आप मैन्युअली टास्क में लगे हुए हैं कि भाई मैं खुद से प्रोडक्ट बनाऊंगा, खुद से पैक करूंगा या टीम के साथ में लगूंगा, इस काम में आपको SOP बनाने होंगे। जी हाँ, आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपको अपने प्लांट का फर्स्ट प्रोसेस से लेके लास्ट प्रोसेस तक के जितने भी प्रोसेसेस हैं इनको ऑटोमेशन पर डालना है। जैसे कि पहला प्रोसेस क्या है हमारा, सबसे पहले हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं जिसमें रॉ मटेरियल हो सकते हैं, पैकेजिंग्स हो सकती हैं, इसके अलावा कई सारी तरह के डिफरेंट थिंग्स रहती हैं जिन्हें हमें सोर्स करना होता है, मशीन के इक्विपमेंट, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है हमारे बिजनेस में, हम जब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को लाना, उनको चेक करना, उनकी क्वालिटी चेक करने के बाद में उनकी प्रोसेसिंग में डालना, प्रोसेसिंग के बाद में 1 स्टेप ग्राइंडिंग, 2nd स्टेप फिलिंग या मिक्सिंग, 3rd स्टेप, इस तरह के स्टेप्स होते हैं। तो ये कौन करता है, ये करती है लेबर, जहाँ पर पैकेजिंग तक वो स्टेप्स होते हैं। अब आपका फोकस, आपका ध्यान यहीं पर ही है, इसकी वजह से आप मार्केट को, कस्टमर्स को नहीं समझ पा रहे हैं। ये काम ऑटोमेट करिए, पहले इनका SOP डेवलप होगा। सिस्टम है जिसकी तरह से बिजनेस नहीं बना है, दैट्स द प्रॉब्लम, जिस वजह से आप गिव अप सोच रहे हैं, कर दूं मैं, मशीनें बंद कर देते हैं लोग, भग जाते हैं इंडस्ट्री छोड़कर, कहते हैं भैया मेरे बस की बात नहीं है। आपको यहाँ पर मैं एक सलाह दे देता हूँ, वो लगा दीजिएगा आज अपने बिजनेस में, एक मैनेजर बना दीजिएगा जिसको आप प्लांट मैनेजर बोल सकते हैं, ये काम उसको दे दीजिए, फिर आप सेल्स पर, मार्केटिंग पर फोकस करिए, अपने मार्केटिंग के, सेल्स के टूल्स बनाने पर ध्यान लगाइए। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये समझिए कि जो गेम है ना बिजनेस का, वो है मार्केटिंग और सेल्स। 80% मार्केटिंग, 20% सेल्स। तो 80% मार्केटिंग में कहाँ काम आएगा, डिजिटल मार्केटिंग, यस। इसके बाद में आपका ऑफलाइन मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग टूल्स, स्कीम्स, ऑफर, स्ट्रक्चरिंग, ये आपको बनाना होगा। आपको बीट तैयार करने होंगे,
आपका बीट तैयार करने के बाद में रोड मैप बनेगा, गूगल लिस्टिंग होगा आपके बिजनेस में, जहाँ जहाँ आपके कस्टमर्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर्स लगाइए आप, जो कि बहुत कम कॉस्ट पर आप अपने बिजनेस में प्लेस कर सकते हैं। एक छोटा इंडस्ट्री चलाते वक्त मेन गोल ये रहना चाहिए हमें कि हम कस्टमर्स के लिए जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो पहला प्रोडक्ट बेचने के बाद में वो कस्टमर्स हमारे साथ में लाइफ टाइम जुड़ा रहे, वो चीज़ हमें सोचनी है। तो कस्टमर को ये परवाह नहीं है कि आप क्या बेचते हैं, क्या बनाते हैं, कस्टमर को ये परवाह है कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं या कितने अच्छे तरीके से, कितना फास्टेस्ट रूट पर आप डिलीवरी देते हैं अपने प्रोडक्ट का, ये कस्टमर्स को मतलब है। तो आपने कस्टमर्स को अगर समझ लिया तो बिज़नेस समझ में आ जाएगा। बिज़नेस में आपको कस्टमर्स नहीं समझ में आते हैं, आप कमियां निकालते हैं, तो आप ये स्विच वो स्विच करते ही रहेंगे। सो लोकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको पहला प्रोसेस ऑटोमेट करना होगा, जहां आपका ध्यान है मशीनों पर, प्लांट पर। इसके अलावा आपको फोकस करना होगा मार्केटिंग पर, जहाँ पर आप सीखेंगे अपने बिजनेस में, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से अपने बिजनेस में इकोसिस्टम बनाना है। देखिए, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं या सेल्स की कमी आ जाती है बिजनेस में, सेल्स को हमें इंक्रीज करना पड़ता है, तो एक बहुत सिंपल भाषा में मैं इस मार्केट को समझता हूँ, और वो मैं यही कहता हूँ, व्हेन यू इंक्रीज योर विजिट इन द मार्केट देन यू कैन इजीली इंक्रीज सेल्स। आप विजिट बढ़ा दीजिए अपने बिजनेस में, सेल्स अपने आप बढ़ जाएगी। आप अपने बिजनेस में जैसे ही विजिट बढ़ाएंगे, रिजेक्शन बढ़ेंगे, आपका विजिट से इंप्रेशन भी आएंगे, ऑर्डर्स भी मिलेंगे आपको। तो रिजेक्शंस को ना देखें, सेल्स पर फोकस करें, विजिट बढ़ाएं। इसके लिए सिस्टम बनाएं कि क्या लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस होगा, क्या सप्लाई चेन चलेगा, किस तरह से फूड को या लोकल प्रोडक्ट को दुकानों पर प्लेस करना है, सिस्टम बनाना है, नेटवर्क बनाना है, बीट बनाना है, ताकि हम कस्टमर्स को एक बार बेचने के बाद में बार बार प्रोडक्ट बेचें। ये हमें गेम समझना है। सो आपको हमेशा एक चीज़ देखनी है कि मशीनें लगाओ या बिजनेस आइडिया लो, वो एक तरह का आपके मन में डिज़ायर है, पर बिजनेस तो आपको सीखना होगा अगर आप लोकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो। अगर आपने नहीं सीखा तो आपका बिजनेस उस तरह से नहीं बनेगा जहाँ आपने सोचा है कि मैं महीने के लाखों कमाऊँ और 1 करोड़ रुपये कमाने वाला जो बिजनेस मॉडल है वो बनाऊँ। इसके लिए आपको सिस्टम समझना है, प्रोसेस समझना है, तो ही आप बिजनेस को ऑटोमेट कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि बहुत डीपर जाना पड़ेगा। हर एक टॉपिक्स में मैं जाता हूँ, वर्कशॉप लेता हूँ, और उस वर्कशॉप में मैं स्टार्टिंग से आगे सेल्स तक बात करता हूँ। अलग अलग मेंबरशिप्स हैं कामकाजी की, जहाँ आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।